आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको क्या गिवन है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक कैनन एंड ए टारगेट आर कितना 5.10 किलोमीटर अपार्ट एंड लोकेटेड एट द सेम लेवल। डैट मीन्स सेम लेवल पे हैं, जो कैनन है एंड उसका टारगेट है सेम लेवल पे है एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 5.10 किलोमीटर है। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउ सून विल बी से लॉन्चेड विद द इनिशियल वेलोसिटी कितना 240 मीटर पर सेकेंड रिच द टारगेट इन द एब्सेंस ऑफ द एयर ड्रैग। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो सिंपल, हमको सबसे पहले हमको क्या क्या गिवन है, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमको रेंज कितना गिवन है, आर इक्वल टू गिवन है कितना 5.10 किलोमीटर, तो डैट मीन्स कितना हो जाएगा 5100 मीटर। एंड जी का वैल्यू कितना 9.8 हमको गिवन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड हमको जो इनिशियल स्पीड गिवन है यू नॉट इक्वल टू कितना गिवन है 240 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एंगल हमको बोला है कि जो इनिशियली हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा उसको हमको देखना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, रेंज को अगर देखें तो रेंज इक्वल टू क्या होता है यू नॉट का स्क्वायर साइन टू थीटा मान लेते हैं डिवाइडेड बाई कितना होता है जी। तो यहाँ हमको आर मालूम है, यू स्क्वायर मालूम है, डिवाइडेड बाई कितना जी है। तो क्या आर इक्वल टू कितना गिवन है 5100 इक्वल टू यू नॉट का स्क्वायर कितना है 240 का स्क्वायर एन टू साइन टू थीटा, हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं मालूम है, डिवाइडेड बाई जी कितना 9.8। तो अगर हम इसको यहाँ से देखते तो यहाँ से कितना आता साइन टू थीटा, अगर देखते साइन टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाता आर जी डिवाइडेड बाई कितना यूनिट का स्क्वायर। एंड तो अगर यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना होगा, सिंपल यहाँ से मैं देख लेता हूँ क्योंकि हमको थीटा चाहिए। अब हमको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टी इक्वल टू कितना होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है जी होता है। एंड इसको अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना आर जी डिवाइडेड बाई यू नोट का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम देखें तो अगर इससे हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जी टी डिवाइडेड बाई 2u। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं एंड साइन थीटा को इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे जी टी डिवाइडेड बाई कितना 2u इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना है आर जी डिवाइडेड बाई यू नोट का स्क्वायर, सॉरी ये यू नोट यहाँ पे गिवन है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा जी से जी कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हुआ एंड यू नोट से एक यू नोट कैंसिल हुआ। तो यहाँ से आर इक्वल टू देखेंगे वो कितना हो जाएगा यू नोट टी इंटू कॉस थीटा, ये हमको रिलेशन मिला। तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई यू नोट इंटू टी, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 ले लेते हैं। अब देखिए हमको साइन थीटा मालूम चल गया, कॉस थीटा मालूम चल गया, तो हमको क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी टी डिवाइडेड बाई 2 यू नोट का स्क्वायर प्लस आर डिवाइडेड बाई यू नोट इंटू टी का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से अगर देखते हैं तो हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 4 यू नोट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना यू नोट का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमको क्या चाहिए, हमको टी चाहिए। तो सिंपल यहाँ से अगर देखें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
अगर इसको देखे तो हो जाएगा 9.8 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 4 इंटू 240 का स्क्वायर। अब हमको सभी वैल्यू पता है, रख देते हैं यहाँ कितना, 5100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 240 का स्क्वायर आई इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओवरऑल अगर देखें तो T4 -2400 टी स्क्वायर +1083403 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो टी स्क्वायर आएगा, अगर टी स्क्वायर देखें तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2400 +1194 डिवाइडेड बाई कितना, 2, या एक माइनस में होगा, 2400 -1194 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू देखें तो कितना हो जाएगा, 1797, या टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 603, ये सब सेकेंड में होगा, सॉरी हम तो यहाँ पे लिए टी स्क्वायर मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, टी चाहिए। तो अगर टी देखें तो डेट मीन्स अगर टी यहाँ से देखें तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0. टी अगर यहाँ से देखें तो टी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 42.39 सेकेंड। एंड यहाँ से टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24.55 सेकेंड। तो सिंपल हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.71 मिनट। एंड टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.41 मिनट। ये हमारा आंसर हुआ। तो हमको सिंपल यहाँ पे क्या पूछा था, हमको पूछा था कि हाउ सून विल बी से लॉन्चेड विद द इनिशियल वेलोसिटी 20 to 40 मीटर पर सेकेंड द रीच द टारगेट इन द ऑप्शन ऑफ द एयर ट्रक। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, टी इक्वल टू 0.71 मिनट एंड टी इक्वल टू 0.41 मिनट, ये हमारा आंसर हुआ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।